बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। हाउ आर यू क्लास वन? होपफुली यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर उर्दू अदब बुक पेज नंबर 27। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, हमारा वतन। हमारे वतन की आप सबने रीडिंग की थी, आज हमने उसे आगे कंटिन्यू करनी है। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान जो हमारा वतन है वो कब आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान के बानी कौन हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और चौधरी अहमद अली हैं, जिनका यहाँ पे हमने पढ़ा था, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें पाकिस्तान का नाम क्या रखना चाहिए। हमने पाकिस्तान की परचम के बारे में पढ़ा कि उसमें दो रंग हैं, सब्ज और सफ़ेद, और इसमें चांद और सितारा भी बना हुआ है, जैसे आगे पिक्चर में देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है और कौमी लिबास कौन सा है। इस तरह हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान की चार सूबे हैं, जो हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। हमने दरियाओं के बारे में पढ़ा था कि पांच दरिया हैं पाकिस्तान में बहते हैं। स्टूडेंट्स, एक और एडिशन मैंने की थी आपको, मैंने पाकिस्तान के कौमी जानवर और कौमी परिंदे के बारे में बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि आपने उसकी पिक्चर सर्च करनी है, तो आप सब ने उम्मीद है कि वो पिक्चर देख ली होंगी, जो हमारे कौमी जानवर और कौमी परिंदा है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहनती और जफाकश हैं। कि पाकिस्तान के जो चार सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, उसमें रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ज़िंदा दिल हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं और दिल लगा कर काम करते हैं। हर सूबे में रहने वाले लोग बहुत मोहब्बत और प्यार से रहते हैं और आपस में भाईचारे से रहते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें आपस में मिलजुल कर रहने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, मतलब कि उनके पास मेहमान नवाज कहते हैं कि मेहमान नवाजी करना। जब भी उनके पास कोई भी मेहमान जाता है या उनके घर कोई आता है तो उनकी बहुत अच्छे से खातिर तवाजा करते हैं, उनको मज़े मज़े के खाने देते हैं, उनका बहुत एहतराम करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसमें लोग ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान में लहलहाते खेत हैं, हरे भरे से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सब्ज वादियाँ हैं और दरिया भी हैं। हमारे जो ऊंचे पहाड़ हैं उनमें केटू हमारे पाकिस्तान का ऊंचा पहाड़ है, दुनिया का दूसरे नंबर पे आता है। पाकिस्तान में जो खेत हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, हरे भरे खेत हैं, सब्ज वादियां हैं। वादियां मतलब जिसमें इंसान वादियां घूमता है, जहाँ पे छोटी छोटी वादियां हैं, दरख्त लगे हुए हैं, घास वगैरह है, दरिया भी हैं। आपको मैंने दरियाओं के बारे में बताया है। इस तरह अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत सी नेमतें हैं जो अल्लाह ने पाकिस्तान को दी हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने ये सब नेमतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादनी दौलत से भी नवाजा है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कुदरती मादनियात हैं जो कुदरत ने दी हैं हमें, जो हम लोग ज़मीन से हम निकालते हैं। हमारे पाकिस्तान में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, मगर लेकिन इनके हसूल और इनके इस्तेमाल के लिए तमाम अफराद की मेहनत और लगन की दरकार है, लेकिन इसमें कोई लोग शामिल नहीं होते। पाकिस्तान में बेशुमार मिनरल्स और इससे होने के बावजूद भी इनका हसूल और इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो सकता। इसमें कुछ तो माहिरीन की कमी है और कुछ साइंस की तरक्की का ज़्यादा ना होना है। इस तरह पाकिस्तान की मादनियात के बारे में बताते चलूँ कि पाकिस्तान की मादनियात में लोहा, तांबा, संगे मरमर जिसे हम मार्बल कहते हैं, लाइमस्टोन जिसे हम चूने के पत्थर कहते हैं, और बड़ी बात नमक की कान है पाकिस्तान में मौजूद है। ये सब पाकिस्तान की मादनी दौलत है, जिसको अल्लाह ने पाकिस्तान को माला माल किया हुआ है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो दुनिया भर में छठे नंबर पर आती है, और जिसमें सब मुसलमान रहते हैं, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी सातवें नंबर पर आती है, जो बहुत मजबूत और बहादुर हैं। हमारी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी बहुत बहादुर है। तो स्टूडेंट्स, हम सब भी, हाँ, जिस तरह के ये सब लोग मिलके हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्कों की तरक्की के लिए बहुत मेहनत करें। तो आप सब इसके लिए क्या कर सकते हो? आपको चाहिए कि आप दिल लगाकर मेहनत करें, पढ़ें, तालीम हासिल करें और बड़े होकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, उसको आगे बढ़ाएँ। जिस तरह पाकिस्तान हमारी शान है और हमें इसकी शान को, इसकी इज्जत को बरकरार रखना है, कैसे कर सकते हैं? दिल लगाकर, मेहनत करके, काम करके।
तो स्टूडेंट्स आपने रीडिंग करनी है। यहाँ से पाकिस्तान के लोग बहुत मेहनती हैं और जफाकश हैं से लेकर हमारी शान है, यहाँ तक इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से तोड़ के साथ। और जो वर्ड आपको पढ़ना नहीं आया आपने उसकी आपने हेल्प लेनी है ममा से। तो स्टूडेंट्स बढ़ते जाओ, पढ़ना है रुकना नहीं। थैंक यू सो मच। सब्स वादियाँ हैं, वादियाँ मतलब जिसमें इंसान वादियाँ घूमता है, जहाँ पे छोटी छोटी वादियाँ हैं, दरख्त लगे हुए हैं, घास वगैरह है, दरिया भी हैं। आपको मैंने दरियाओं के बारे में बताया है। इस तरह अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत सी नेमतें हैं जो अल्लाह ने पाकिस्तान को दी हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने ये सब नेमतों के साथ साथ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मादनी दौलत से भी नवाजा है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कुदरती मादनियात हैं जो कुदरत ने दी हैं हमें, जो हम लोग ज़मीन से हम निकालते हैं। हमारे पाकिस्तान में बेशुमार नेशनल रिसोर्सेज तो हैं, मगर लेकिन इनके हसूल और इनके इस्तेमाल के लिए तमाम अफराद की मेहनत और लगन की दरकार है, लेकिन इसमें कोई लोग शामिल नहीं होते। पाकिस्तान में बेशुमार मिनरल रिसोर्स होने के बावजूद भी इनका हसूल और इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो सकता। इसमें कुछ तो माहरीन की कमी है और कुछ साइंस की तहकीकत ज़्यादा ना होना है। इस तरह पाकिस्तान की मादनियात के बारे में बताते चलूँ कि पाकिस्तान की मादनियात में लोहा, तांबा, संग मरमर जिसे हम मार्बल कहते हैं, लाइमस्टोन जिसे हम चूने के पत्थर कहते हैं, और बड़ी बात नमक की कान है पाकिस्तान में मौजूद है। ये सब पाकिस्तान की मादनी दौलत है जिसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को माला माल किया हुआ है। स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो दुनिया भर में छठे नंबर पर आती है, और जिसमें सब मुसलमान रहते हैं। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी सातवें नंबर पर आती है, जो बहुत मजबूत और बहादुर हैं। हमारी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी बहुत बहादुर है। तो स्टूडेंट्स हम सब भी, हाँ, जिस तरह के ये सब लोग मिलके हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्कों की तरक्की के लिए बहुत मेहनत करें। तो आप सब इसके लिए क्या कर सकते हो? आपको चाहिए कि आप दिल लगाकर मेहनत करें, पढ़ें, तालीम हासिल करें और बड़े होकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें, उसको आगे बढ़ाएँ। जिस तरह पाकिस्तान हमारी शान है और हमें इसकी शान को, इसकी इज्जत को बरकरार रखना है, कैसे कर सकते हैं? दिल लगाकर मेहनत करके, काम करके। तो स्टूडेंट्स आपने रीडिंग करनी है। यहाँ से पाकिस्तान के लोग बहुत मेहनती हैं और जफाकश हैं से लेकर हमारी शान है, यहाँ तक इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से तोड़ के साथ। और जो वर्ड आपको पढ़ना नहीं आया आपने उसकी आपने हेल्प लेनी है ममा से। तो स्टूडेंट्स बढ़ते जाओ, पढ़ना है रुकना नहीं। थैंक यू सो मच।